सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा पाँचवीं विषय हिंदी में आज हम फिफ्थ चैप्टर रीड करेंगे। फिफ्थ चैप्टर दिया हुआ बच्चों आपका, फिफ्थ लेसन दिया हुआ आपका, दी हुई आपकी कविता पुष्प की अभिलाषा। कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है कि जो भारत की भूमि है वो वीर गर्भ्य है, यानी कि वीरों को उत्पन्न करने वाली है। यहाँ एक से बढ़कर एक वीर हैं जिनकी वीरता का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। वीर भारतीय सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए सदैव सबसे आगे रहते हैं। हमारे सुख और चैन के लिए वे सीमा पर निरंतर सजग और चौकस रहते हैं। अतएव हमें अपने सैनिकों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए। अब हम कविता रीड करते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेम माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इन कविता चाह क्या होती बच्चों? इच्छा। सुरबाला अप्सरा या फिर देव कन्या। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि इस कविता में जब माली बगीचे में फूल तोड़ने जाता है, तब वह फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो। फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के बालों का गजरा बनूं, और मुझे यह भी चाह नहीं है कि मैं दो प्रेमियों की माला बनूं। चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। सम्राटों क्या होता है बच्चों? महाराजा, राजा के सव। सव क्या होता है? मृत शरीर। हरि भगवान क्या होता है? हरि का अर्थ भगवान, ईश्वर या फिर विष्णु भगवान। इठलाऊं होता है बच्चों नखरा दिखाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पुष्प के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि यह भी चाह नहीं है कि मैं किसी राजा के शिव पर चढ़ाया जाऊं। जब कोई सम्राट राजा महाराजा जब वो मर जाते हैं तो उनके जो मृत शरीर हैं तो मैं उन पर चढ़ाया जाऊं। आगे कवि कह रहे हैं कि मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं भगवान पर चढ़ाया जाऊं, और इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूं। मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। वन माली क्या होता है बच्चों? वन या उपवन का माली। पथ रास्ता, मातृभूमि जन्मभूमि, शीश चढ़ाना। यहाँ पर बच्चों शीश चढ़ाना मुहावरे का प्रयोग किया हुआ है, जीवन अर्पित करना, जिसका शीश चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है जीवन अर्पित करना। मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों में फूल वन माली से कहता है कि हे वन माली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जहां सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हैं। मैं उन सूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूंगा। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता पुष्प की अभिलाषा। प्यारे बच्चों, इस कविता की एक्सप्लेन हम एक बार फिर रीड करते हैं, बताती हूँ। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इस कविता के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया है। एक पुष्प के द्वारा उन्होंने जनमानस में देशभक्ति का संचार करना चाहा है। जिस प्रकार एक मनुष्य सुख सुविधा ऐश्वर्य भोग विलास की चाह रखता है, उसी प्रकार पुष्प सुरबाला के गहनों में प्रेम माला
में बिंद जाने, सम्राटों के सिर ऊपर डाले जाने और देवों के सिर पर चढ़ाए जाने की आकांक्षा रखता है। लेकिन प्रस्तुत कविता का पुष्प सच्चा देश भक्त है। वह उपवन के मालिक से समय को उस मार्ग पर फेंकने का आग्रह करता है जिस मार्ग से भारत के वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित करने जा रहे हों। वह सैनिकों के पाँव तले कुचले जाने को ही अपना सौभाग्य समझता है। पुष्प की ही भांति भारत के नागरिकों को सैनिकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और सदैव देश की सेवा के लिए आगे रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे। प्यारे बच्चों, अब हम इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों का हमें सम्मान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब करेंगे हम शब्दार्थ में चाह। चाह क्या होती है? इच्छा। सम्राट महाराजा, हरि ईश्वर विष्णु भगवान, वन माली वन या उपवन का माली, मातृभूमि जन्मभूमि, सुरबाला देवकन्या अप्सरा, सव मृत शरीर, इठलाना इतराना नखरा दिखाना, पथ मार्ग रास्ता। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी 5th कविता पुष्प की अभिलाषा जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं।